सोलन के राधा स्वामी सत्संग भवन में कोविड रोगियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बनाया गया। इस अस्पताल में एक साथ 200 रोगियों का इलाज हो सकेगा, जिसमें हर बेड पर ऑक्सीजन का प्रावधान भी किया गया है। यह अस्पताल 12 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। इस अस्पताल में रोगियों को संगीत भी सुनाया जाएगा और एक बड़ी स्क्रीन में रोगी सुबह शाम भजन का आनंद भी ले सकेंगे, ताकि उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। यह अस्पताल अस्थायी तौर पर बनाया गया है, जिसे चंडीगढ़ के एक कंट्रैक्टर ने बनाया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार अस्थायी तौर पर इस अस्पताल के बनाने वाले कंट्रैक्टर को 3 माह के लिए 3 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान कर रही है। इस अवधि को अगर बढ़ाया जाएगा तो इसका खर्चा और भी बढ़ सकता है। कॉन्ट्रैक्टर सभी फर्नीचर स्वास्थ्य विभाग को देगा। यह जानकारी सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि वापिस जाते समय कॉन्ट्रैक्टर सभी फर्नीचर स्वास्थ्य विभाग को देगा। उपायुक्त सोलन के सी चमन ने बताया कि अभी सरकार की सबसे अधिक प्राथमिकता जान बचाना है, इसलिए अस्पताल पर खर्च की जा रही राशि जीवन के आगे बेहद तुच्छ है। उन्होंने कहा कि करीबन 4 करोड़ रुपया इस अस्पताल पर खर्च किए गए हैं। इस अस्पताल में सभी के जीवन को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अब कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि कोरोना से किसी भी नागरिक के जीवन को क्षति ना हो। इसके लिए सोलन में यह अत्याधुनिक स्वच्छ और सुंदर अस्पताल बनाया गया है। जब आप किसी ह्यूमन लाइफ को डील करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस चीज़ को बेहतरीन ये हुए कहा कि कहीं भी किसी भी पेशेंट को ये ना हो कि उसको कहीं एक ऑक्सीजन बेड ना मिले। मनी कैन बी प्रिंटेड जी, लाइफ कैन नॉट बी प्रिंटेड। तो हर एक लाइफ को हमने बचाना है, तो इसके जो वैल्यू है आप देखिए, 200 बेड है, तो जो 2-3 करोड़ हमारे कोई लगभग 4 के आसपास इसका जो खर्चा है कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इसकी जो आप देखें, इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड जी, कि आपने अगर यहाँ पे कितनी लाइफ हम सेव कर पाएंगे, इसके कोई क्वांटिफिकेशन और उसका आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो आप जो पैसा खर्च किया है उसका सही इसका जो क्रियान्वयन यहाँ पे किया गया है, और ये सुनिश्चित किया गया है कि हमारे जिले में अब ये हर एक नागरिक आश्वस्त है कि अगर उसे कुछ कोविड हो गया है, कल कुछ ऐसी स्थिति है, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है, तो हमारे लिए व्यवस्था उपलब्ध है। वो पहले भी थी और इसको बढ़ा दिया गया है, 3 महीने के लिए है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड वेव की बातें हो रही है, लेकिन हम भगवान करें ना स्थिति आए, अगर आ गए तो हम इसको भली भांति अच्छे ढंग से इससे निपटेंगे, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मॉर्टेलिटी रेट उसमें बिल्कुल कम हो।